गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इफ आम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट वेटलैंड्स स्वम्प्स एंड मार्शेस टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू बोग्स एंड फेंट्स हमने चार तरह के वेटलैंड की मेजर टाइप्स पढ़ी थी मार्शेस, स्वम्प्स बोग्स एंड फेंट्स मार्शेस हम कहते हैं ऐसे वेटलैंड्स जहाँ पर ग्रासेज एंड रीड्स मेन वेजिटेशन uh, होती हैं डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में पाई जाती हैं स्वाम्स के अंदर ये वुडी प्लांट्स होते हैं तो बोग्स एंड फेंस इनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके हम आज स्टडी करेंगे इस पिक्चर में हमें बोग दिखाई दे रहा है और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो इसमें दिखाई दे रही हैं ये पीट मोस या स्फेक्नम है इस जगह बोग्स आर वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड फैसिनेटिंग टाइप्स ऑफ वेटलैंड बहुत ही यूनिक वेटलैंड की टाइप है ए बोग अकोमुलेट से डिपोजिट ऑफ डेड प्लांट मटेरियल यहाँ पर डेड प्लांट मटेरियल के इकट्ठे होने से पीठ का निर्माण होता है तो बोग्स ऐसे वेटलैंड्स हैं जहाँ पर डेड प्लांट मटेरियल अकोमुलेट होता है बोक्स आर मोसी वेटलैंड्स इनको मोसी वेटलैंड्स कैसे कहते हैं अभी हमने पिछले पिक्चर में देखा कि स्फेगनम या पीट मोस हमें आयत से दिखाई दे रही है तो स्फेगनम को पीट मोस भी कहा जाता है हम इसे फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं तो ये आ, मोसी वेटलैंड्स भी कहलाते हैं बोग्स रिसीव वाटर मेनली फ्रॉम प्रेसिपिटेशन तो ये बोक्स अधिकतर इनका जो पानी है वो कहाँ से इनको प्राप्त होता है बोग्स को ये रेन से या फिर प्रेसिपिटेशन से आता है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर वाटर कम्स फ्रॉम रेन एंड स्नो तो बरसात और बर्फ ये दो ही सोर्सेज हैं बोग्स के अंदर वाटर अकूमुलेट होने की यूजली इन एरियाज विद शॉर्ट ग्रोइंग सीजन एंड लो टेम्परेचर बोग कहाँ मिलते हैं जहाँ पर बहुत ही कम तापमान पाया जाता है लीटर और नो ड्रेनेज तो ये वेटलैंड साइड में ड्रेनेज की तो सब में ही प्रॉब्लम होती है पुअरली ड्रेन्ड पीटी सोयल यहाँ पर जो सोयल है वो पीटी सोयल है पीट का फॉर्मेशन हो जाता है इसलिए इसे पीटी सोयल कहा जाता है वंस अगेन इन दिस पिक्चर वी कैन सी बोग और ये यह यहाँ पर फिर से दिखाई दे रही है स्पेक्नम बोगस आर यूजली एसिड एरियाज़ विद पी एच लेस देन फाइव ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है बोग्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं यहाँ की पी एच पाँच से कम होती है बिलो सेवन हम एसिडिक मानते हैं तो पी एच इसकी पाँच से भी कम होती है लेस देन फाइव तो ये एसिड एरियाज होते हैं क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजिशन बहुत ही स्लो होता है किस कारण से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऐसे एसिडिक एनवायरमेंट में सक्रिय नहीं रह पाते बहुत स्लो उनकी एक्टिविटी हो जाती है तो इसलिए जो बोक्स हैं वो एसिडिक होते हैं बोक्स हैव लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन इन देम, बिकॉज वाटर डज नॉट फ्लो इन एंड आउट ऑफ देम इजीली बोक्स में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत कम होता है क्योंकि इनमें जो वाटर है वो बाहर निकल भी नहीं सकता और इसमें एंटर भी नहीं हो सकता लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कोल्ड टेंपरेचर मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर फंजाई एंड बैक्टीरिया टू डिकम्पोज डेड प्लांट्स क्विकली दिस हेल्प्स पीट फॉर्म अब इस का निर्माण कैसे होता है पहली बात तो जो एसिडिक एन्वायरमेंट है यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है दूसरा इसका टेम्परेचर भी बहुत कम है तो इसलिए ये फंजाई और बैक्टीरिया जो मेन डिकम्पोजर्स होते हैं ये अपनी एक्टिविटी क्विकली नहीं कर पाते और इसलिए अकूमुलेट होता रहता है ये मटेरियल और ये पीट का फॉर्मेशन करता है स्फेगनम और पीट मोस हैज लार्ज सेल्स विद ओपनिंग्स दैट एब्जॉर्ब लॉट ऑफ वाटर अभी हमने लास्ट पिक्चर में भी देखी स्फेगनम और आगे फिर से देखेंगे तो ये पीट मोस होती है ये इसमें कैपेसिटी होती है पानी को बहुत सारे पानी को एक साथ ये एब्जॉर्ब कर पाती है इसका उपयोग तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी किया गया था तो ये और अभी भी जब हम एक आ, कंट्री से दूसरे कंट्री में प्लांट मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं तो उसको मॉइस्चर कंटेन रखने के लिए हम स्पीड पीट मोस का यूटिलाइजेशन करते हैं तो इसमें वाटर को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी होती है दिस मेक्स बोक्स वेरी स्पंजी जिसके कारण जो बोक्स हैं वो काफ़ी स्पंजी हो जाते हैं तो बोक्स की जो स्पंजी नेचर है वो किसके कारण होती है इस स्वेगनम के कारण या पीट मोस के कारण स्वेग्नम को बोग मोस भी कहा जाता है क्वैकिंग या पीट मोस भी से कहते हैं तो ये एक मेन प्लांट तो आपको मुख्य रूप से याद रखना ही है बोग्स के अंदर स्वेगनम या पीट मोस पाई जाती है जनरली बोग्स डू नॉट सपोर्ट लार्ज प्लांट्स ड्यू टू पुअर सोइल एंड हाई पीट कंटेंट बोग्स के अंदर बड़े प्लांट्स जो हैं वो अधिक नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इसमें पीट की मात्रा ज़्यादा होती है और सॉइल है वो पुअर इन न्यूट्रिशन होती है ए बोग इज क्रिएटेड ओवर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बोग को बनने में कई सैकड़ों या हजारों वर्ष लग जाते हैं तो एक तरह से हम कह सकते हैं कालांतर में इनका निर्माण होता है धीरे धीरे ये कुंगलेट होती रहती हैं और ये पीठ में रूपांतरित हो जाती हैं और अल्टीमेटली यही पीठ पीठ कोयले के रूप में बदल जाती है इट फॉर्म्स वेन प्लांट डिके इन ए लेक एंड फिलेट जब इन बोग्स का फॉर्मेशन कैसा कब होता है जब लेक के अंदर ये प्लांट्स डिके होना शुरू हो जाते हैं दिस क्रिएट्स लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ पीट और इस तरह से पीट का परत दर परत फॉर्मेशन हो जाता है बोग्स आर फ्रेश वाटर एंड इन स्पाइट ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ डिके प्लांट मैटर दी आर वेरी पुअर इन बिकॉज ऑफ द स्लो रेट ऑफ डिके बोग्स जो है वो फ्रेश वाटर वाले होते हैं और इनके अंदर प्लांट मैटर तो बहुत सारा है पर फिर भी ये न्यूट्रिएंट पुअर हैं क्योंकि बहुत ही स्लो रेट होती है डीकम्पोजिशन की ड्यू टू तो लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड देर एसिडिक केमिस्ट्री बोक्स लैक नाइट्रोजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड फूड फॉर प्लांट्स तो हम देख रहे हैं कि बोग्स एसिडिक होते हैं ऑक्सीजन की भी यहाँ कमी होती है इन इनमें दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी नहीं पाए जाते इसलिए इनमें नाइट्रोजन की भी कमी पाई जाती है तो अब इस नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पर किस तरह के प्लांट्स मुख्यतः पाए जाने चाहिए तो ये कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स से इस नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं तो हमने छोटी uh, क्लासेस में पढ़ा है कार्निवर्स प्लांट्स या मांसाहारी पादपों के बारे में जिसमें हमने uh, ब्लैडरवर्ड पीचर प्लांट इनके बारे में पढ़ा था तो ये इस तरह के प्लांट्स हैं वो बॉक्स में पाए जाते हैं ये यूनिक कम्युनिटी ऑफ कार्निवर्स प्लांट्स हैज़ अडेप्टड टू दीज कंडीशन फॉर एग्जाम्पल पीचर प्लांट्स सनड्यू एंड ब्लैडरवर्स आगे हम पिक्चर्स देखेंगे इन सब की तो एक यूनिक तरह की कम्युनिटी कार्निवर्स प्लांट्स की यहाँ डेवलप हो जाती है क्योंकि अडेप्टेड हो जाती है वो इंसेक्ट्स से नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेती है द गेट ए लोट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव फ्रॉम द इंसेक्ट्स जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए वो किससे प्राप्त करते हैं वो इंसेक्ट्स से ले लेते हैं जिनको वो खाते हैं सो दे कैन थ्राई यू नी बोग न्यूट्रियट पुअर सोयल और इस तरह से बोग्स की जो न्यूट्रियट पुअर सोयल है न्यूट्रिय की कमी वाली जो सॉइल है ये वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं तो इस पिक्चर में हम देख रहे हैं पिक्चर प्लांट या घट पादप जैसे ही इंसेक्ट आकर के इस घट पर बैठता है ऊपर से ढक्कन के रूप में ये बंद हो जाता है और अब इस इंसेक्ट पर एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इसे बाहर निकलने नहीं देता ये ढक्कन जिसके कारण ये इस इंसेक्ट की डेथ के बाद इससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ये है सनड्यू या ड्रोसेरा रोटनडीफोलिया तो इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं बहुत ही जो इसमें हेयर्स दिख रहे हैं और सेकंड पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो एक इंसेक्ट है वो इसके अंदर ट्रैप हो रहा है जैसे ही कोई इंसेक्ट आकर के इसकी लीफ जो स्पून शेप्ड या चम्मचनुमा होती है यहाँ पर आकर बैठती हैं ये हेयर्स इससे निकले रहते हैं तो ये आ, स्टिमुलेट होती है और ये लीफ इस तरह से रोल हो जाती है इसके चारों तरफ और इंसेक्ट को ट्रैप कर लेती है ये इसके अंदर इंसेक्ट है अब ये इंसेक्ट यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता और इस तरह से कुछ समय बाद इसकी डेथ हो जाती है और ये इससे फिर न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं ये है वीनस फ्लाई ट्रैप जिसे डायोनिया कहा जाता है तो इस डायोनिया में भी हम देख सकते हैं कि इस तरह से ये खुला हुआ ट्रैप है और ये इंसेक्ट इसके बीच में फंस जाता है और ये फिर बंद हो जाता है जब इंसेक्ट बैठता है उसके बाद ये बंद हो जाता है ये इंसेक्ट यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है और फिर उससे ये न्यूट्रियट एब्जॉर्ब कर लेते हैं इनके एंजाइम उस इंसेक्ट पर सक्रिय हो जाते हैं और उसको उससे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं ये ब्लैडर वर्ड एक्वेटिक प्लांट है ये भी और पानी की जो वाटर करंट्स जो होती हैं उनके साथ बह करके इस ब्लैडर के अंदर इंसेक्ट एंटर हो जाता है और उसके बाद में यहाँ इसके प्लेडर के अंदर एंटर होने के बाद वो वापस बाहर नहीं निकल पाता तो इस तरह से ये सारे कार्निवल्स प्लांट जो हैं वो इन जो इंसेक्ट्स यहाँ पर पाए जाते हैं इन बॉक्स में उनसे नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं इसके कार्निवल्स प्लांट्स के अलावा भी यहाँ प्लांट्स तो देखने को मिलते हैं वाइट पाइन एंड सम समेबरक और लार्क जैसे कहते हैं लेरिक्स लेरिसीना ये भी बोग के अंदर देखे जा सकते हैं बोग के जो एजेज़ होते हैं पीठ जमा होता रहता है और धीरे धीरे जो बोग के किनारे हैं वहाँ पर पीठ के रूप में सोयल पाई जाती है तो उन एज जो होते हैं बोग्स के वहाँ पर हम लार्क प्लांट देख सकते हैं वाइट पाइन देख सकते हैं और इनके बीच में कुछ फोब्स और ग्रासेस पाई जाती हैं जैसे बोग रोजमेरी लीफ, डो टी एंड वेरियस ऑर्किड्स कुछ ऑर्किड्स इनमें बहुत सुंदर होते हैं तो कुछ रेयर टाइप के भी पाए जाते हैं द ग्रास पिंक ऑर्किड इज वन ऑफ मैनी ऑर्किड्स दैट आर फेडरलीस्टेड इज एंड ऑफ स्पेशल कंसर्न जो ग्रास पिंक ऑर्किड है अभी आगे हम पिक्चर देखेंगे इसकी ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है ऑर्किड्स वाटर लिलीज पिक्रल वीड क्रैनबेरीज एंड ब्लू बेरीज ऑल्सो ग्रो इन बोग्स तो इन ऑर्किड्स के अलावा वाटर लिलीज भी यहाँ होती हैं पिक्रल बीड क्रैनबेरीज एंड ब्लू बेरीज ये सब पाई जाती हैं तो इन्हें हम पिक्चर में देख सकते हैं लार्क लेरिक्स लेरिसना ये एक कॉनीफर है इसे कौन से ही दिख रहा है पाइनस की फैमिली का मेम्बर है ये यहाँ पर जो बोग की एज़ होते हैं किनारे होते हैं वहाँ पर ये भूता एज से दिखाई देता है ये ग्रास विंग ऑर्किड ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में से रखा गया है बोग्स में पिक्रल वीड भी पाया जाता है पोन्टेडेरिया कोडेटा। ये हैं क्रैनबेरी बोग्स यानी क्रैनबेरी इतनी मात्रा में है कि इनका नाम ही क्रैनबेरी बोग्स रख दिया गया है और इस पिक्चर में हमें ब्लूबेरी दिखाई दे रही है तो ये क्रैनबेरी एंड ब्लूबेरी ये भी बोग्स के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स हैं अब हम देखेंगे कौन कौन से इंसेक्ट्स मैमल्स और एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं तो हम देखते हैं कि बोग में टर्टल्स, फ्रॉग्स इंसेक्ट्स एंड इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स बहुत ही कॉमन रूप से मिलते हैं यहाँ मछलियाँ अधिक अधिक नहीं होती क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है इसलिए यहाँ जो फिश हैं वो ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलती हैं मैमल्स लाइक द मूज बीवर मस्क्रेट एंड स्नो शू हेयर कैन ऑल्सो भी फाउंड इन इन एंड अराउंड बोक्स बोक्स के अंदर और उसके बाहर चारों तरफ हमें मूज बीवर मस्क्रेट स्नो शू हेयर ऐसे मैमल्स दिखाई दे जाते हैं बोक्स ऑल्सो प्रोवाइड एड प्रोटेक्टेड हैबिटेट फॉर मैनी रेयर एंड एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीस दैट विल यूज एनवाइ फॉर नेस्टिंग ईटिंग एंड रोस्टिंग ये बोग जो हैं ऐसे प्रोटेक्टेड हैबिटेट के रूप में काम करते हैं जहाँ पर एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीस भी अपना हैबिटैट बनाती हैं बोग सपोर्ट अनकॉमन येल्लो बैलिड फ्लाई कैचर एंड द नियर थ्रेट एंड गोल्डन विंगड वार्बलर विच नेस्ट डाउन इन द मोस तो यहाँ पे फ्लाई कैचर येलो बैलिड फ्लाई कैचर और इसके साथ ही एक थ्रेटन के करीब पहुँचने वाली एक चिड़िया है गोल्डन विंग्ड वाबलर जैसे कहते हैं वो भी यहाँ बॉक्स में देखी जा सकती है तो ये है मोस किंग ऑफ द बॉक्स भी जैसे कहते हैं और ये स्नो शू हेयर खरगोश है एक और बात यहाँ पर इन स्नो शू हेयर में देखने को मिलती है कि इनमें जो विंटर सीजन है उस समय इनका जो कलर है वो वाइट हो जाता है हेयर्स जो है वो वाइट कलर के हो जाते हैं और समर में ये ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं तो ये कॉमन इनमें देखने को मिलता है तो ये एक टिपिकल करेक्टर है जो हम यहाँ इनमें देख सकते हैं गोल्डन विंग वाबलर जो कि लगभग थ्रेटन कैटेगरी में पहुंच चुकी है अब एक दूसरी टाइप है फेन वेटलैंड की तो वेटलैंड की हम तीन टाइप पढ़ चुके हैं मार्शल साम्स, बोग्स एंड नाउ फेन तो फेन और बोग्स में क्या अंतर है फेन में भी पीठ पाई जाती है लेकिन

ंग वाटर मोस्टली फ्रॉम सरफेस एंड ग्राउंड वाटर सोर्सेज जो बोग्स हैं उनमें वाटर का जो सोर्स था वो रेन वाटर या प्रेसिपिटेशन होता है फेन हमें याद रखना है ये एल्कलाइन होते हैं यहाँ का पानी का जो सोर्स है वो सरफेस या फिर ग्राउंड वाटर होता है तो सरफेस वाटर इसके अंदर आता है या फिर ग्राउंड वाटर इसके अंदर पहुँचता है तो इसलिए ये एल्कलाइन होते हैं रादर देन एसिडिक एज इन वाटर दैट फीड्स एक्चुअली वाटर फ्राम मेल्टेड ग्लेशियर्स तो फैन को फीड करने वाला जो वाटर कहाँ से आता है ये ग्लेशियर्स से इनमें पहुँचता है तो यहाँ प्लांट्स कौन से कॉमन है ग्रासेज एंड सेजेज ग्रासेस होती हैं पॉइसी फैमिली की जो सेजेस हैं ये साइप्रेसी फैमिली से जंकेसी साइप्रेसी इनसे रिलेटेड होते हैं तो इनके से संबंधित इस इन फैमिली से संबंधित जो प्लांट्स हैं वो यहाँ कॉमन रूप से देखे जा सकते हैं इस में हमें फेन दिखाई दे रहा है। आर लाइक like ये बोक्स की तरह ही है क्योंकि पीटी यहाँ पाई जाती है पर उनसे डिफरेंट किस मायने में है दे पीट डिपोजिट्स इन देम बट अनलाइक बोक्स सम ऑफ देयर वाटर कम्स फ्रॉम स्मॉल स्ट्रीम्स एंड ग्राउंड वाटर तो बोक के बजाय यहां पर पानी का सोर्स हम हैं कि स्ट्रीम्स या ग्राउंड वाटर होता है फेन्स वाटर इज मच मोर रिच एंड न्यूट्रीटियस न्यूट्रिशियस दैन ए बोग ये बो की तुलना में इसका जो पानी है वो न्यूट्रिशियस अधिक होता है दे होस्ट डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ भी प्लांट्स और एनिमल्स बहुत आयत से पाए जाते हैं वाइल्ड फ्लावर्स डियर टर्टल्स बटरफ्लाइज एंड इवन फिश मे फाइंड ए होम इन ए फेन फ़ैन तो इस फैन के अंदर डियर टर्टल्स, बटरफ्लाइज़ ये तो होते ही हैं यहाँ पर मछलियाँ भी पाई जाती हैं बोग में हमने देखा कि मछलियाँ बहुत कम हैं क्योंकि जो वाटर है वो एसिडिक है लेकिन यहाँ पर जो फिशेस हैं वो भी पर्याप्त पाई जाती हैं इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज़ एंड हॉर्सलाइज़ आर कॉमन इन फेंस फेंस के अंदर ये हॉर्सफ्लाइज एंड मॉस्किटोज भी काफ़ी पाए जाते हैं इसके अलावा एम्फीबियंस इंसेक्ट इटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स एम्फीवियंस भी खूब होते हैं यहाँ पर इंसेक्ट इटिंग बर्ड्स भी पाए जाते हैं बहुत आयत से और मैमल्स जैसे कि शू वोल्स मस्क्रेट्स ये भी फेंस में पाए जाते हैं अब हम देखते हैं इस पिक्चर में हमें बोग एंड फें इन दोनों में जो वाटर का जो लेवल है कहाँ से आता है वाटर प्राप्त होता है वो दिखाई दिखाई दे रहा है तो यहाँ जो बोग्स हैं ये कहाँ से वाटर रिसीव करते हैं ये प्रेसिपिटेशन से ही करते हैं आउटफ्लो प्राइमरी टू ग्राउंड वाटर बोक्स रिसीव वाटर प्राइमरी फ्रॉम प्रेसिपिटेशन विद रिलेटिवली लिटिल वाटर फ्रॉम सरफेस फ्लोज तो यहाँ बहुत कम पानी ये जो है सरफेस का हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें बोक्स में आता है एंड डिस्चार्ज ओनली टू ग्राउंड वाटर बहुत कम पानी यहाँ ग्राउंड वाटर में डिस्चार्ज होता है रिजल्टिंग ऑर्गेनिक कंट्रीब्यूट टू देर एसिडिटी तो इसलिए यहाँ पर जो ऑर्गेनिक organ... है उसका आ, मैटर का अकूमुलेशन हो जाता है और इसलिए ये एसिडिक हो जाते हैं जो फेंस होते हैं यहाँ हम देख रहे हैं कि सरफेस फ्लो भी हो रहा है और सब सरफेस फ्लो भी इसमें हो रहा है तो फेंस रिसीव बोथ सरफेस एंड सब सरफेस वाटर एंड हैव बोथ सरफेस एंड सब सरफेस आउटफ्लोज एज ए रिजल्ट फेन्स टेन टू रिफ्लेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द अंडरलाइन जियोलॉजी एंड कैन बी क्वाइट अल्किस्टोन सोर्सेज तो इन दोनों बेसिक डिफरेंस हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर सरफेस फ्लो और सब सरफेस फ्लो दोनों इसमें फेन के अंदर हो रहे हैं जबकि ये यह यहाँ इसके अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत कम इन फ्लो सरफेस से हो रहा है ये बेसिक डिफरेंस है अब इन यहाँ पर पाए जाने वाले जो हाँ। ऑर्गेनिजम्स हैं शॉर्ट ईयर आउल ये भी स्पेशल होता है और बहुत कम आजकल इसकी संख्या होती जा रही है तो शॉर्ट ईयर आउल इसी तरह से स्पॉटेड टर्टल ये भी संकटग्रस्त uh, की कैटेगरी में आ चुका है ये यहाँ पर फेन्स में हमें दिखाई देते हैं श्रू एंड वाटर वोल ये यहाँ पर बहुतायद से पाए जाते हैं फेन के अंदर ब्लैक टेल्ड गॉडविट एंड स्वान ये फेंट्स में दिखाई देते हैं अब हम पढ़ चुके हैं वेटलैंड्स की चारों टाइप्स मार्शेस, साम्प फेंट्स एंड बोग्स वेटलैंड्स की क्या इम्पोर्टेंस है क्या कार्य हैं हमारे लिए इसकी क्या महत्व महत्ता है ये हम अब स्टडी करेंगे वेटलैंड्स आर अमंग द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड कंपेरेबल टू रेन फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ रेन फॉरेस्ट और कोरल रीफ से भी यदि इनकी तुलना की जाए तो उनकी तुलना में जो वेटलैंड्स हैं बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं तो जब ये प्रोडक्टिव हैं तो ये कितने जो जीव हैं उनके लिए भोजन प्रोवाइड करने का हैबिटेट प्रोवाइड करने का काम करते हैं दे प्रोवाइड ग्रेट वॉल्यूम्स ऑफ फूड दैट अट्रैक्ट मैनी एनिमल स्पीसीज तो भोजन बहुत आयत से ये उपलब्ध कराते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द फूड वेब एंड फीड मैनी स्पीसीज ऑफ फिश एम्फीबियंस शेलफिश एंड इंसेक्ट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं कई तरह के एम्फीबियंस हैं मैमल्स भी हैं शेलफिश हैं इंसेक्ट्स हैं फिशेज हैं ये यहाँ पाए जाते हैं मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स रिलाई ऑन बेट फॉर फूड वाटर एंड शेल्टर स्पेशली ड्यूरिंग माइग्रेशन एंड ब्रीडिंग बहुत से तरह के जो बर्ड्स हैं मैमल्स हैं वो इन पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए वाटर के लिए शेल्टर के लिए पर्टिकुलरली कब जब उनमें ब्रीडिंग सीजन होता है, या वो माइग्रेटरी होते हैं, कहीं से माइग्रेशन करके आते हैं तूफान तो है, के द्वारा जो विनाश है उससे बचाते हैं रेगुलेट्स वाटर लेवल्स इन वाटर शेड्स तो वाटर लेवल को रेगुलेट करने का काम करते हैं प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ के जो बायोडाइवर्सिटी uh, है वो इन वेटलैंड्स में पाई जाती है वेटलैंड्स प्रोटेक्ट टेरेस्ट्रियल एरियाज एट ज्वाइनिंग स्टोम फ्लड्स एंड टाइडल डैमेज तो स्टोम फ्लड से तो बचाते ही साथ में टाइडल डैमेज से भी ये बचाते हैं क्योंकि हमने देखे थे मार्शेज एंड स्वाम्प इसमें दोनों तरह के पाए जाते हैं टाइडल एंड नॉन टाइडल टाइप्स प्लांट्स इन वेटलैंड्स हेल्प टू फिल्टर पोल्यूटेंट्स इन द वाटर तो इसके अलावा पोल्यूटेंट्स को फिल्टर करने का काम भी करते हैं वेटलैंड प्रोवाइड एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ इन्वेजन मोडिफिकेशन एंड सक्सेशन तो वेटलैंड में हम जो सक्सेशन है सक्सेशन uh, का मतलब होता है एक स्थान पर हम देखते हैं कि समय के साथ उसमें uh, जो कम्युनिटीज़ है वो चेंज होती रहती हैं तो इसको इजीली हम देख सकते हैं वेटलैंड uh, के अंदर तो so, एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल बनाता है इनवेजन मोडिफिकेशन एंड सक्सेशन का तो so, ये थी वेटलैंड की इंपोर्टेंस तो आज हमने पढ़ा आज और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वेटलैंड्स के बारे में पढ़ा तो हम जान चुके हैं कि वेटलैंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं साथ ही ये वाइल्डलाइफ और प्लांट्स को डिफरेंट टाइप का हैबिटेट देते हैं फूड प्रोवाइड करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी को ये सपोर्ट करते हैं फिर हमने चार टाइप के वेटलैंड्स देखे मार्शल्स स्वाम्पस बोग्स एंड फीन क्या मेजर डिफरेंट रिच वेटी और वाइल्ड स्वाम्पर डिफाइंड बाई देर एबिलिटी टू सपोर्ट वुडी प्लाट्स एंड ट्रीज जबकि स्वाम्पस के अंदर वुडी प्लाट्स या फिर ट्रीज देखे जा सकते हैं बोग्स आर करेक्टराइज बाई देर पुअर सोइल एंड हाई पीट कंटेंट बोग्स में जो पीट है उसका बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है हालांकि फेन्स में भी पीटी ऑइल होती है लेकिन ये इसकी तुलना में बोग से तुलना में ये न्यूट्रिय रिच होते हैं और यहाँ पर जो प्लांट लाइफ है वो बोग की तुलना में अधिक देखी जा सकती है तो हम वेटलैंड्स के बारे में और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में जान चुके हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही यूनिक तरह का इकोसिस्टम ये वेटलैंड्स फॉर्म करते हैं That's all. Thank you.